ये कहानी है हैदराबाद के रहने वाले राजू रेड्डी और राव की, या कहें कि ट्रिपल आर की कहानी। स्वीटी यहाँ आ गई है क्या? ये राजू है, इसके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए तो भी कम है। ये लोगों का कैसे फायदा उठाता है आप देखिए। अरे पैसे को देखकर कोई मना कर सकता है क्या? उसे पूरा पैसा दिखाओ, भागते हुए आएगा। सर प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है इसलिए वो लोग डर रहे हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी का ही धंधा है अपना। अब चलो। अच्छा ये बताओ रेट क्या चल रहा है? सर उस एरिया में 1 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपए चल रहा है। सुनिए मैं इसके 50,000 दूंगा। ये तो बहुत कम है सर। आपके पड़ोसी 25,000 देने के लिए भी तैयार है। ए, सुनो उसी से बात कर लो। ओके सर। सर एक मिनट सर, मुझे चलेगा सर। ओके अच्छी बात है, तो रजिस्ट्रेशन हम कल ही कर देते हैं। अब ये पैसे अपने पास ही रखिए और इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। अच्छा सुनो पीटर। सर इस बगल वाली जमीन को हमने 20,000 में खरीदा, ऐसा तुम दूसरी पार्टी को बता दो। लेकिन कभी उन लोगों ने आपस में बात कर ली तो? घर में रहने वाले पति और पत्नी और आसपास रहने वाले पड़ोसी हमेशा झगड़ा करते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते, इतना भी नहीं जानता। स्वीटी जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ली गई थी उसके बारे में जानते हैं, आइए। अरे मेरा क्या होगा, हे भगवान। अरे स्वीटी यहाँ पे क्यों आ रही है, आगे तो मुसीबत हो जाएगी। अब हम रेड्डी भाई के बारे में बात करते हैं जो कि पेशे से एक सुनार हैं। उनके गले में सोना है, उनके हाथ में सोना है, उनकी जिंदगी में सोना ही सोना है। बापू आपके पैसे का कभी नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो पूरे शहर में नहीं मिलेगी, हम इसे सीधे दुबई से इम्पोर्ट करते हैं, पूरा 24 कैरेट खरा सोना, समझ गए? आपकी बड़ी माँ आधा किलो सोना लेके गई है। वो तो है, इसीलिए तो मेरी बेटी भी यहाँ आती है। अरे रघु वो नई वाली डिजाइन दिखाओ जरा सर को। देख लिया ना आपने इनके बोलने का ढंग, खुद झूठ भी इनकी बात को सच समझने लगता है। स्वीटी को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? बाप रे कहीं वो इधर आ गई तो। अरे भागो। और ये है अपने राव जी, इनका धंधा है फाइनेंस का। देखो भाई तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दिला दूंगा, लेकिन सूद की बात करो तो वो तो कम कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है भाई। ठीक है जाके डॉक्यूमेंट लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ, 2 करोड़ 6 महीने के लिए, चलेगा? ठीक है भाई। मेरी एक फ्रेंड है जो OTT में वेब सीरीज बनाने के बारे में सोच रही है, आप फाइनेंस कर देते तो। ओ अंकल सुनो, ये OTT वेब सीरीज के लिए मैं पैसा कभी डालता नहीं है, समझे ना, इधर धंधा करने वाले और कराने वालों की कोई गारंटी नहीं है, तो आपन काय को लफड़ा मोल लेगा। चलो अभी फोन रखो मैं जा रहा हूँ। यही इनका कैरेक्टर है, दुनिया कुछ अलग करने की कोशिश करती है लेकिन ये अभी भी सूद और ब्याज का धंधा करते हैं। सुना है स्वीटी आने वाली है। मेरे को भी अभी। अरे वो यहाँ पे क्यों आ रही है? वैसे तुम लोग टेंशन में क्यों हो? मैं क्या बोलूँ, मेरे को भी उसी बात का। अरे क्या बताऊँ, तुम लोगों की टेंशन देख के मेरे को टेंशन हो रही है। मैं क्यों टेंशन लू, स्वीटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे मुझे पता चला कि वो आने वाली है मैं दौड़ा चला आया। उनकी बिल्डिंग में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर रहने के लिए स्वीटी जैसी सेलिब्रिटी आने वाली है जिसने आते ही बिजलियाँ गिरा दी। देखते ही इन तीनों की पैंट गीली हो गई।